हे गाइस, एक बड़ी खबर आ रही है एसएससी की तरफ से, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी उस चीज को कंसीडर करते हुए। स्टूडेंट्स की डिमांड थी जैसा कि इस पर्टिकुलर पैंडेमिक की सिचुएशन में, COVID-19 2.0 की इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जाम को पोस्टपोन किए जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर इतनी तेजी से जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, उस समय में रिस्क लेना और देश के इन युवाओं को खतरे में डालना कहीं से भी सही नहीं है। पहले तो लग रहा था कि चीजें शायद पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि काफी टाइम से यहां पर एग्जाम चल रहा था, लेकिन जब स्थिति इतनी इस हद तक कोरोना वायरस की बढ़ गई कि स्टेट्स लॉकडाउन लाने के सिचुएशन पे आ गए, तो फाइनली एसएससी को एक नोटिस जारी करना पड़ा। ये नोटिस अभी चंद कुछ मिनट पहले ही आया है। आइए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या कहा गया है। कहता है, ड्यू टू द सर्च इन COVID-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू डिफर द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन CHSL। जी हाँ, ये CHSL एग्जाम की बात कर रहे हैं, 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 24/2021, यानी यहां से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फ्रेश डेट्स फॉर द बैलेंस कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स का एग्जाम हो चुका है, जिनका आज तक पेपर था उनका नहीं, बैलेंस कैंडिडेट्स यानी कि जो कल से जिनका भी पेपर होगा 2020 24/2021 से, उन कैंडिडेट्स के लिए ऑफ द सेट एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, उनको बाद में बताया जाएगा। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपके पास ये न्यूज है, जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका एक री एग्जाम नहीं होगा जैसा कि ये नोटिस कह रहा है, लेकिन जो बच्चों का कल से पेपर है उन सभी बच्चों के पेपर को पोस्टपोन किया गया है, जिनकी आगे की डेट बता दी जाएगी। तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट कीजिए और जो आपको एक्सटेंडेड टाइम मिला है उसमें अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए, ताकि इस बार की जब डेट आए तो एग्जाम 100% क्रैक हो जाए। इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि CHSL का आगे का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। आपका एग्जाम जिस भी डेट को हो बहुत अच्छा हो, उसी के साथ ऑल द बेस्ट।